से सफाई तक जेलों में आजादीवाद से बेहद खफा है सीजीआई चंद्रचूड़। क्या बदले जाएंगे नियम? सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को सियाचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ राज्यों की जेल नियमावली में जाति आधारित भेदभाव की प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 3 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर निर्णय देगी। इस वर्ष जनवरी में कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से इस मामले में जवाब तलब किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह दलील दी थी कि कई राज्यों की जेल नियमावलियों में कैदियों के काम के आवंटन में जातिगत भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनकी जाति के आधार पर अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। याचिका में केरल की जेल नियमावली का उदाहरण देकर कहा गया है कि आदतन अपराधियों को और पुनः अपराध करने वाले दोषियों के बीच अंतर किया जाता है और आदतन डाकू, चोर या डकैतों को अन्य दोषियों से अलग रखा जाता है। याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की जेल संहिता में जातिगत आधार पर कैदियों के काम का विभाजन किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च जातियों के कैदी का खाना पकाने का काम करेंगे, जबकि सफाई के काम के लिए विशेष जातियों के कैदियों को नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को महाराष्ट्र के कल्याण की निवासी सुकन्या शांता द्वारा दायर इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सहयोग करने का निर्देश दिया था। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील की इस बात पर भी गौर किया कि भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार राज्यों की जेल नियमावलियों में संशोधन किए गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर राज्यों की जेलों में जातिगत भेदभाव की प्रथा जारी है।